बेटा, बहू अभी तक उठी नहीं? हाँ माँ, उसका तो हाल तुम जानती ही हो ना। ऐसे कितने दिन चलेंगे बेटा? धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा माँ, छोड़ो जाने भी तो। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, मेरी बहू को न जाने कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और कब उठेगी। बस सुबह मम्मी जी भी न जाने क्या काम शुरू कर देती हैं, इतना तेज तेज, ढंग से सोने भी नहीं देती हैं। अरे बहू उठ गई क्या? हाँ माँ जी, चाय पीऊंगी क्या? अरे नहीं, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती हूँ। अरे माँ जी अभी तो खाली 10:30 बजे हैं, दोपहर थोड़े ही हुआ है। हे भगवान, पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं। दिन चढ़ाया है और इतनी देर तक घर की लक्ष्मी का सोना अच्छा थोड़ी ही है। तुझे अब अपनी घर की रस्ती संभाल लेनी चाहिए। मैं कुछ बोलूंगी तो कहोगी कि सास बोलती है। वो क्या है ना मम्मी जी, कि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे इसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अरे इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास सर दर्द की बहुत सी दवाइयाँ रखी हैं, मैं दे दूंगी एक खाले और ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ रेस्ट नहीं ले सकती, मैं तो सिर्फ अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा के ही दवाइयाँ लूँगी। अरे बहू इतनी छोटी छोटी बात के लिए मायके जाना और फैमिली डॉक्टर को दिखाना अच्छा थोड़े ही है। चल मैं तुझको यहीं से दवा दिलवा देती हूँ किसी डॉक्टर से। अरे नहीं माँ जी, मैंने बोला ना मैं सिर्फ अपने फैमिली डॉक्टर से ही दवाई लूँगी, तो वहीं लूँगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ आज। बेटा इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना ठीक तो नहीं है, अभी तो परसों ही गई थी। लेकिन जब तुमने सोच ही लिया है तो जा, मैं रुकूंगी तो कहोगी कि सास रुकती है। ठीक है माँ जी। हे भगवान, मेरी बहू कब अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगी, अब तू ही इसको सही रास्ता दिखा। मम्मी मैं आ गई। अरे बेटा तू आज फिर आ गई, अच्छा आ बैठ। मम्मी क्या फिर आ गई, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, तू बिल्कुल आ सकती है, मैं तो कह रही थी अभी तू परसों ही गई है ना, इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब जी चाहे तब आ जाए कर। हाँ ठीक है, वो क्या है ना मम्मी कि मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं चली आई, वैसे भी इतनी गर्मी है, बता कौन काम करेगा, यहाँ तो भाभी कम से कम कुछ ना कुछ करके देती रहती है, मुझे यहाँ कुछ करना भी नहीं पड़ता तो मैं आराम से रहती हूँ, अब वहाँ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ जाता है ना। अरे बेटा तो वो तेरा ससुराल है, तुझे वहाँ तो काम करना ही चाहिए ना। मम्मी अब तुम भी भाषण मत दो। अरे जीजी आप आ गई क्या, आइए बैठिए ना। हाँ भाभी, और बहुत तेज प्यास लगी, जरा पानी तो ले आइए। हाँ हाँ जीजी मैं अभी ले आती हूँ। और बेटे दामाद जी कैसे हैं? अरे ठीक है मम्मी, रोज सुबह होते ही ऑफिस चले जाते हैं, मेरी तो उनसे सुबह मुलाकात ही नहीं हुई। क्या तू सुबह उनसे मिलके नहीं आई? अरे मम्मी वो इतनी सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोई रह जाती हूँ, तो कैसे मिलूंगी। अरे जीजी बैठ के बात करो ना। अरे बेटा ये बहुत गलत बात है कि तेरा पति उठकर ऑफिस चला जाता है और तू सोई रहती है, उसको चाय नाश्ता खाना पानी कुछ देती भी है या नहीं? अरे माँ वो सब छोड़ो, वो सब मम्मी जी देख लेती हैं, बस तुम तो मेरा ध्यान रखो। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। अरे पापा मुझे तो इसकी बहुत चिंता हो रही है, ये तो अभी तक अपने ससुराल में अच्छे से घुली मिली ही नहीं, बताओ इसकी सास खाना बनाकर दे रही है, इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? मुझे तो इसकी घर की गृहस्थी को लेकर बहुत डर लग रहा है, ये दामाद जी का भी ख्याल नहीं रखती है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी मैं देखती हूँ। ठीक है बेटा अब तू ही संभाल इस मामले को, इसे जल्दी से जल्दी अपनी घर की गृहस्थी का एहसास हो जाए, और मुझे क्या चाहिए इस बुढ़ापे में। हाँ माँ जी मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी भाभी जरा इधर तो आना। तो के का फल काहे गला फाड़ा थो। अरे भाभी आप ये मुझसे कैसी बातें कर रही हैं, और आपने ये कैसा मुंह बना रखा है, अभी तो अच्छी भली थी आप। अरे मुंह बनाई ना तो क्या करी, जब देखा तब तू भाभी भाभी किए रह लू, अरे हमारे पास और भी तो काम धाम बाटे। अरे भाभी आप तो पहले ऐसे कभी बात नहीं करती थी, ये आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं, अभी मम्मी के सामने तो आप बहुत प्रेम से थी। अरे तो तुम्हारी माँ थी तो उसके सामने तो प्रेम से दिखावा करना ही पड़ता है ना, अब तुम रोज रोज मायके चली आओगी तो मैं कितना ध्यान रखूंगी तुम्हारा। मैं अभी जाके आपकी शिकायत मम्मी से करती हूँ। जाओ कर दो, मुझे डर नहीं पड़ा है तुम्हारा। अरे भाभी आप मुझे जीजी भी नहीं कह रही और तुम करके बात कर रही हैं, मैं तो जरूर शिकायत करूंगी। मम्मी ओ मम्मी ना सुनो तो। ए, मम्मी यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा मैं बर्तन धुल रही थी, क्या हुआ? अरे मम्मी आप क्यों बर्तन धुल रही हैं, भाभी है ना धोएंगी। अरे बेटा इतनी गर्मी है, दिन भर वो किचन में काम करती है, थक गई होगी, यदि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तो क्या हो जाएगा। अरे माँ आप तो भाभी का बहुत फेवर ले रही हैं, लेकिन पता भी है कि भाभी ने क्या किया है?
क्या किया भाभी ने? अरे उन्होंने मुझसे बहुत रूखेपन से बात किया और बोला कि मैं रोज रोज चली आती हूँ। तुम ये सब काम मत किया करो, ज्यादा उसका हाथ मत बटाया करो, उससे कह दो उसका जो काम है खुद ही किया करे। इस तरह से करने से ना देखो वो सर पर चढ़ जा रही है। अरे नहीं बेटा, वही तो तू नहीं रहती तो मेरा ध्यान रखती है, मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना पीना, बच्चों को देखना, तेरे भैया को देखना, सारा काम वही तो करती है। अरे मम्मी तुझे कुछ नहीं पता, पीछे पीछे ना हम लोग की बुराई भी करती है। अच्छा तो यहाँ मेरी चुगली हो रही है? अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है, ज्यादा झूठ ना बोलिए आप लोग। देखा ना मैं कैसे बात कर रही है भाभी, तुम ना तुम्हारे सर पे चढ़ाने का नतीजा है। जरा एक बार भैया से शिकायत करके इसको टाइट करवा दो ना तो एकदम ठीक हो जाएगी। इसको तो जरा भी सास और ननद का ख्याल ही नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? जो खुद कभी सास ननद की कदर किया हो वो कहे तो अच्छा भी लगता है। तुम्हारे तो पैर एक भी दिन अपने ससुराल में नहीं टिकते, हर दूसरे दिन मुंह उठा के बस मायके ही चली आती हो। जरा सोचो, मैं भी यहाँ से तुम्हारी तरह रोज मायके चली जाऊँ तो तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ की कौन देखभाल करेगा? तुम्हारे आने पे जो तुम्हें चाय नाश्ता पानी मिलता है वो कौन देगा? तुम तो यहाँ काम ना करने के मारे ही ना रोज रोज चली आती हो, तुम्हें गर्मी लगती है और किसी को नहीं लगती है? पहले तुम अपने सास की कदर कर लो तब दूसरों को भाषण देना। हाँ माँ जी, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके, अब देखिए आपकी बेटी आपको। क्या? बेटा मेरी बात तो सुन। अरे सुनने कहने के लिए अब कुछ नहीं रह गया है, अब जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक मैं भी अपने मायके रहूँगी। अब देखती हूँ कौन इसको बनाकर देता है, करे कुछ दिन आपकी सेवा कि बस आपको भड़काना ही जानती है। अरे भाभी सुनो, रुको रुको भाभी, मैं समझ गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हम समझ गए, अब हम ना आए अपने मायके, अब तुम ही रहा, हम जाते हैं अपने ससुराल में, अब हम अपने ससुराल में ही रहब। भी हमको अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे माफ़ कर दो जीजी, मैं तो सिर्फ आपको ये सब सबक सिखाने के लिए ही कर रही थी ताकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, चाहे तो आप माँ जी से पूछ लीजिए, मैंने इसके बारे में पहले से माँ जी को बता रखा था। मैं आप भी भाभी के साथ मिली थी? हाँ बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी घर की रस्ती बस जाए और तुम अच्छे से अपने पति के साथ रहो। हाँ माँ, अब मैं जा रही हूँ और अब मैं मायके कभी नहीं आऊँगी। हाँ ना बेटा, ये भी तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ सकती हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तुम्हें होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी उठाओ। हाँ जी जी, आप अपने ससुराल में खुशी से रहें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है भाभी, अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सास की सेवा करूँगी। बहुत अच्छे बच्चा, खुश रहो। अरे बहू तू आ गई और बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? तो लगता है तेरी भाभी ने तेरा बहुत स्वागत किया। हाँ माँ जी, आज तो मेरी भाभी ने वो बात मुझे बताई जो आज तक मुझे कभी पता ही नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्या बता दिया तेरी भाभी ने? अरे अब क्या हो गया जो तूने ऐसा मुंह बना लिया? माँ जी पहले आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया है, अब मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे बेटा ऐसे रोते नहीं है। नहीं माँ जी, आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपने घर का सारा काम धाम करना चाहिए और मुझे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। आज मेरी भाभी ने जो मुझे सीख दी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। आपने मुझे माफ कर दिया माँ जी? हाँ बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। बताइए आज शाम को खाने में क्या बनाना है, मैं भी बना लेती हूँ। चल हम दोनों मिलकर बनाएंगे।